देवास में अवैध शराब के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम के साथ जुमा झटकी का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग की महिला अफसर से एक महिला ने जुमा झटकी करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। यह नजारा है देवास के सोनकच्छ का। लेडी पुलिस ऑफिसर से एक महिला हाथापाई कर रही है। यह वीडियो बताता है कि एमपी में नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। दरअसल आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब की शिकायत मिलने के बाद देवास के चूरलाई गांव पहुंची थी, जहां एक घर में अवैध शराब बेची जा रही थी। टीम ने यहां दबिश दी तो वहां मौजूद लोगों ने झूमा झटकी की। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला आबकारी अधिकारी के साथ झूमा झटकी कर रही है। इस दौरान महिला अधिकारी की वर्दी फट गई। उपनिरीक्षक ने अपने आप को बचाया। इतना ही नहीं, घर में मौजूद कुछ सदस्य शराब को लेकर भागने की कोशिश करने लगे। अब सवाल खड़ा होता है कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कहती है, लेकिन अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कैसे कसी जाएगी जब बेखौफ अपराधी खाकी पर हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देवास।